नमस्कार दोस्तों, घरेलू आयुर्वेद में आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जब गर्मियों का मौसम निकट आने लगता है तब हमारे शरीर के अंदर जो है एक गर्मी पैदा होने लगती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है। और जब हम उस पसीने को साफ नहीं करते हैं, धोते नहीं हैं, तो वो सूख करके जो है उस पर कीटाणु जमने लगते हैं, जो कि आगे चल करके दाद में बदलने लग जाता है। और जब हम उसे खुजाने लगते हैं, यानी कि जब हम उस पर खुजली करने लगते हैं, तो वो लाल होने लग जाता है और उस पर छोटे छोटे दाने आने लगते हैं, जिसकी वजह से वह दाद का रूप ले लेता है। तो आज हम आपके लिए एक आसान सा उपाय लेकर के आए हैं, जिससे कि आप अपने सालों पुरानी दाद, खाज, खुजली की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकोगे, वो भी बिल्कुल आसान से उपाय को करके। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आप इसको घर पर आसानी से बना सकें। सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आपको लेना होगा नींबू से बना हुआ जेल। जी हाँ दोस्तों, ये आपको कहीं पे भी बहुत ही आसानी में मिल सकता है। नींबू से बना हुआ जेल बोल दीजिएगा। अगर आपके पास नींबू का बना हुआ जेल नहीं है तो आप अपने घर के दो नींबूओं के रस को लेकर के निचोड़ सकते हैं। इस प्रकार से जो है आपको दो चम्मच जो है नींबू के जेल का चाहिए। अब इसके बाद हम इसमें लेंगे कैंडी डस्टिंग पाउडर। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो, जिन लोगों को फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है, यानी कि जांघों के बीच में खुजली होने लगती है, गीले कपड़े पहनने की वजह से उनको दाद की समस्या आने लगती है, या उनके गुप्तांगों में खुजली ज़्यादा से ज़्यादा होने लगती है, या उनकी स्किन एलर्जी जो है बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको इन सब समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए आप इस पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब जो है इसके अंदर छोटे छोटे दो चम्मच इस प्रकार से जो है कैंडी डस्टिंग पाउडर के हमें ऐड कर देने हैं। अब जब ये इसके अंदर हम डाल देंगे तो मिक्स करना है हमें। इसके बाद इसको, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस प्रकार से जो है ये क्रीम की तरह बनना स्टार्ट हो जाएगी। आपको अपनी दाद, खाज, खुजली को भगाने के लिए बाहर से कोई भी आपको जो है क्रीम खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर पर ही इस क्रीम को बना करके अपनी समस्या से छुटकारा पा सकोगे। अब इसके बाद आपको इसके अंदर लेना होगा, जो कि आपके शरीर पे बहुत ज़्यादा गर्मी करती है, जिसकी वजह से आपके दाद निकलते हैं, दाने निकलने लगते हैं आपके शरीर पे, तो उन सब दानों को, उन सब दाद को ठंडा करने के लिए आपको लेना होगा कोलगेट। मात्र एक चुटकी, जितना आप रोज़ाना सुबह ब्रश करने में यूज़ करते हो, मात्र इतना सा आपको जो है कोलगेट ले करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपको कम से कम जो है ये 25 से 30 सेकंड तक अच्छे से मिक्स करना है, ताकि ये एक क्रीम की तरह बन के तैयार हो जाए। अब जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से बन कर के तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसको लगाने की विधि बताता हूँ, तो आप इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहें। आपको करना क्या होगा कि आपको इसको एक हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार जो है ज़रूर लगाना है। तो आपको इसलिए इसको लेना होगा अपने इस प्रकार से हाथों में, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, अपने आप को इसको उंगलियों पर लेना है। जी हाँ दोस्तों, अपनी उंगलियों में आपको इसको अच्छे से ले लेना है और अपने दाद वाले जगह पर इसको आपको इस तरीके से गोलाकार में घुमा देना है, ताकि आपके पूरे दाद पर ये कवर कर ले। जब आप इसको अपने दाद पे अच्छे तरीके से लगाओगे और आपको जब ठंडक महसूस होने लगे, तब आप समझ जाना कि ये जो नुस्खा है ये अपना असर दिखाना बहुत ज़्यादा शुरू कर चुका है। तो इस प्रकार से जब आपको ठंडक महसूस होगी, तो ये जो नुस्खा है बहुत ज़्यादा दुगनी तेज़ी से काम करेगा आपके दाद, खाज, खुजली से आपको राहत दिलाने के लिए। तो दोस्तों, ये था मैं तब से आपके लिए आज का नुस्खा, जो आपको इन समस्याओं से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दिलाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनकी फ्री में हेल्प हो सके। जो लोग चैनल पर अभी तक नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू में दी गई घंटी को दबाएँ, ताकि आने वाले सारे नुस्खे आप लोग सबसे पहले देख पाएँ। धन्यवाद।